जेवर एयरपोर्ट का काम आखिरकार शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2021 को इसका शिलान्यास किया था। इस एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगरा, मथुरा और वृंदावन पहुंच पाएंगे। फरवरी 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के लिए सत्ताधारी बीजेपी ने चुनाव से पहले की बयानबाजी में ऐसे विकास प्रोजेक्ट को शामिल करने की ठानी है। जेवर एयरपोर्ट का प्रस्ताव 2001 में लाया गया था, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे। उनके बाद मुख्यमंत्री मायावती ने भी इसे अपनाया और इस प्रोजेक्ट के लिए 2000 एकड़ की जमीन ली। नोएडा के इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के तौर पर प्रस्तावित किया गया है। इसको बनाने का काम यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को भारत और उत्तर प्रदेश सरकारों के साथ साझेदारी पर मिला है। इस कंपनी की मालिक स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए है और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट का अनुमान है कि इससे 3.5 लाख करोड़ का इकोनॉमिक आउटपुट मिलेगा। ये प्रोजेक्ट 4 चरणों में करीब 5,000 हेक्टेयर की जमीन पर पूरा होगा। इसके पहले चरण के लिए सरकार ने कुल 1,327 हेक्टेयर की जमीन ली, जिसमें से 1,239.1 हेक्टेयर जमीन जेवर तहसील के 8 गांवों के निवासियों से ली गई थी। बाकी जमीन पहले से ही राज्य सरकार के नाम दर्ज थी। योजना के अनुसार प्रोजेक्ट का ये पहला चरण 2024 तक पूरा हो जाएगा और ये दयानतपुर, रोही, परोही, रहेरा, किशोरपुर, बनवारीवास, मुकिमपुर, शिवारा और रमनेर के गांवों तक फैलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 12 जून 2020 को हुई एक्सपर्ट कमेटी रिव्यू मीटिंग के मिनट्स के अनुसार इस प्रोजेक्ट के पहले चरण के लिए भूमि अधिग्रहण से कुल 3,976 परिवार प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार 1,239.1 हेक्टेयर की निजी जमीन में से 1,085 हेक्टेयर के मालिक किसानों ने अपनी मर्जी से जमीन दी है। हालांकि बाकी 153 हेक्टेयर के मालिकों ने अधिग्रहण के एवज में मिले पैसे पर सहमति नहीं जताई है। बताया गया कि मुआवजे का विरोध कर रहे किसानों की राशि को राज्य खजाने में रखा गया है। पैसा सर जो खेत के आर को वो तो मिल गया हमें, मकान दुकान को कोई पैसा नहीं मिला, ना होटल को मिला, ना दुकान को मिला, ना लेटरिंग को, ना बाथरूम को, ना ही पेड़ को। बच्चों के नाम हमारे हिस्सों जो हमारा प्लॉट है उसमें बच्चा को दे रहे हैं, और जबकि 50 मीटर तय था फी आदमी को, चाहे किसी पे है चाहे किसी पर ना है। दूसरे नंबर ऑन रोड है हम तो हमें ऐसी जगह पटक दिए ले जाकर, हमारी ऑन रोड भी ज़मीन ना दी, हमारी रोटी की रोटी ना मिल रही पूरी, जो जो चीज़ ही हमारी वो साबुत वो भी नहीं मिल रही है, परेशान है। गौरतलब है कि प्रभावित परिवारों में से ज़्यादातर सामान्य या छोटे किसान हैं। इस चरण में 33.9% प्रभावित परिवारों की जमीन 1 बीघा यानी 0.25 हेक्टेयर से भी कम है और 39.6% की जमीन 0.25 से 2.5 हेक्टेयर के बीच है। हमारे को कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं आया है, पहले हमको कोई पैसा नहीं मिला था, जब तोड़ के हमारे को जबरदस्ती बिल्डोजर चला गए, कुंजन सिंह एसडीएम, कुंजन सिंह उन्होंने, पटवारी साहब लेखपाल और थे, तहसीलदार नायब साहब टोटल थे, उन्होंने मेरे घर पर जेसीबी चलाए पूरे गांव में ही जबरदस्ती, कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं, कोई सूचना नहीं,
कैसे भी कोई नहीं, और अभी तक उनके पैसे नहीं आए, मकानों के नहीं आए, पेड़ों के नहीं आए, बोरिंगों के नहीं आए, बच्चे उनके 36 नहीं आए, अभी कोई कुछ नहीं। भाड़े का हमारा भाड़े का बोला उनने 36,000 भाड़े का अलग मिलेगा, वो कोई पैसा नहीं आया भाड़े का भी। अब ऐसे ही मतलब हमारे आदमी को प्लॉट बच्चा उसको काट दियो, पूरे मकान के पैसा काट लिए और आधा पैसा रोक रखो, न बच्चा के आए मकान बना के नहीं दिया है ना, मतलब मकान बना के भी ना दियो, फिर प्लॉट की अब मोर को प्लॉट दियो, ऐसा तो प्लॉट हम और किसी जगह भी ले सके हैं, कहीं भी ले सके। बताओ कितनी वो करी है हमारे संघ में, वो जबरदस्ती वो फोड़ दिए मकान, नुको सुबह को पैसा आ जाएगा, अब तक पैसा ना आयो, पूरे पूरे चौमासे में मतलब रोते रही, अब जाड़े में रो रही। प्रस्तावित अधिग्रहण को मान्यता मिलने से 3 साल पहले 2015 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इस गांव का दर्जा ग्रामीण से बदलकर शहरी कर दिया गया था। ऐसे चल रही बहुत दिन आ सुबह मेरी दुकान, कुछ मुआवजे का पैसा मिला, एक रुपया ना मिला दुकान को, ना 2 लाख रुपया मिले हैं हमारे एक मकान के, ना बाउंड्री को कुछ है, ना कुछ मकान को, एक को मकान को कुछ नहीं। मेरा लड़का कुछ भी ना कर, विचार नहीं करा, मेहनत मजूरी, हाँ हाँ, खेती बाड़ी कहाँ छोड़ी, तो पहले ही थोड़े खेत हो, पहले ही चलो गो। तो आप लोगों का क्या मांग किया सरकार? हमारी तो मांग यही है कि हमारे मकानन के पैसा दे दें, 4 गुने की बात ही, कुछ भी ना दियो, अभी तो 1 गुनो भी ना दियो, हाँ 4 गुनो तो जब दे, 1 गुनो भी ना दियो। जमीन का पैसा कीमत कितना था आपके हिसाब से? कितना आया और मोर जमीन की ना पता कितना दिया, हाँ आपकी जमीन कितनी जमीन है आपकी? हमारी 5.5 बीघा है, 5.5 बीघा, हाँ 5.5 बीघा का कीमत कितना मिला आपको? हमारे कुछ 1 करोड़ से ऊपर मिले रुपया, 1 करोड़ से कुछ ऊपर है, हाँ। तो आप चाहते क्या है? हम तो यह चाहते हैं भैया कि हमारे पैसा मिल जाए, सब भाई इनके जो भी रह रहे हैं, हम मुसीबत पीट रहे हैं, और वो तेरे भग भी गए हैं बेचारे जो वहाँ पलाटन पे पड़े हैं, हाँ हमें पैसा चाहें अपने, हमारे पैसा मिल जाए भैया, हम चले जाएँ यहाँ से। लगातार 2 साल धरना चलाया जेवर एयरपोर्ट किसान संघर्ष समिति के नाम से, 2015 से ही एप्लीकेशन देना शुरू किया कि तुमने हमें ग्रामीण से शहर बना दिया, तो इसके विषय में हमारी जो शहर में होने वाली जो मिलने वाली सुविधा थी वो सुविधा कहाँ है, तो वो सुविधाओं की इन्होंने सुना नहीं, और ना इन्होंने गांव को गांव मान के चला। 2018 में इन्होंने जब ज़मीन का अवार्ड किया हमारी जंगल की ज़मीन का, तो इन्होंने नगर क्षेत्र मान के अवार्ड किया था। ये तब हुआ जब इस इलाके की 85% आमदनी खेती से होती है। इस असामान्य बदलाव का मकसद क्या था? प्रभावित मालिकों का कहना है कि 2013 के बाद से रेट बढ़ाए नहीं गए हैं। राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के अनुसार मुआवजे की रकम जमीन की मार्केट वैल्यू के हिसाब से तय की जाती है। मार्केट वैल्यू सर्कल रेट से ज्यादा होती है। केंद्र सरकार के कानून के मुताबिक कुल मुआवजा शहरी जमीनों के लिए मार्केट वैल्यू का 2 गुना और ग्रामीण इलाकों के लिए मार्केट वैल्यू का 4 गुना होता है। इसमें सोलेटियम या क्षतिपूर्ति राशि भी शामिल होती है। धारा 107 के तहत राज्य सरकारें सिर्फ वही कानून बना सकती हैं जिसमें मुआवजा केंद्र सरकार के कानून से ज्यादा होगा। जब एयरपोर्ट के लिए इस इलाके को सीमांकित करने की पहली घोषणा की गई थी, किसानों की मुख्य मांग थी कि उनकी जमीनों का सर्कल रेट बढ़ाया जाए और उनके गांवों को ग्रामीण दर्जा दिया जाए। प्रभावित गांवों में सर्कल रेट 900 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर है, जिसे 2013 से बदला नहीं गया है। प्रोजेक्ट के पहले चरण के लिए अधिकारियों ने मार्केट वैल्यू 1150 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर कैलकुलेट की थी और गांव वालों को उसका 2 गुना यानी 2300 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर का प्रस्ताव दिया था। जो हमारा जो सर्कल रेट था 2015 का वो 950 रुपये मीटर ही था और आज 2021 में भी 950 रुपये मीटर ही है। अगर हमारा उस टाइम जो हम शहरी क्षेत्र में करे थे तो हमारा नोएडा का या 20 किलोमीटर कोई भी हमारा शहर पड़ता है उसका सर्कल रेट हमें जब ये हमारा कर दिया जाता तो ना पहले चरण में हमें धरना देने की जरूरत पड़ती और ना दूसरे चरण में पड़ती। तो हमारा जो सर्कल रेट है वो 2015 में
जो हम शहर में करे गए खाए उसी के हिसाब से रेशो लगाते हुए हमारा सर्कल रेट बढ़ाया जाए 2021 तक और हम जमीन देने के लिए तैयार है। अन्यथा सर्कल रेट नहीं बढ़ाया जाएगा तो जमीन हम नहीं देंगे। और अब जो है, और एक चीज और मैं तीसरा पॉइंट नोट कर ले, पहले फेस में जमीन गई है, मेरी भी गई है, मेरी 30 बीघे जमीन गई है पहले, मैंने अभी जमीन का मुआवजा नहीं लिया है। हमारा जो बाजार रेट है, जो हमारा जो बाजार रेट है 21 लाख रुपए बीघे का है, क्योंकि आपने लिए कुरेम में 16 हेक्टेयर जमीन लिया, आपने कुरेम में भी 16 हेक्टेयर जमीन लिया है, आपने उन्हें 5.5 लाख रुपए भी दिए हैं और वो 2300 रुपए मीटर का भी मुआवजा दिया है। तो हमारा जो बाजार मूल्य है वो 21 लाख रुपए बीघे का है, क्योंकि यहाँ जो पहले फेस में जिन किसानों ने जमीन का मुआवजा लिया 2018 में 21 लाख रुपए बीघे का मिला सबको, और आप बता दीजिए कि आपने दिया है या नहीं दिया है 21 लाख रुपए बीघे का मुआवजा। तो हमारा बाजार मूल्य, अगर बाजार मूल्य की गणना हो तो 21 लाख रुपए बीघे की हो, अगर शहरी मानते हो तो हमें 21 का 42 और ग्रामीण का उसका 4 गुना। 2017 से महामारी फैलने तक करीब 800 किसानों ने अपने परिवारों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट के खिलाफ लंबा विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगे रखी थी। लेकिन एक बार भी जिलाधिकारी महोदय आए, गेहूं की फसल उजड़वाओ हमारी, हमें मरवाओ, हमें जेल भिजवाओ, हम पे गोलियां चलवाओ, वो लाठी चलवाओ, तुम पे डंडे में ताकत है आपके में, अगस्त 2021 में अधिकारियों ने पुलिस की निगरानी में घरों, जानवरों को रखने की जगहों, धार्मिक स्थलों और स्कूलों को तोड़ दिया था, जबकि RNR साइट अभी भी निर्माणाधीन थी। 3 साल बाद एयरपोर्ट के लिए जिनकी जमीन गई थी उन परिवारों में डर का माहौल बना हुआ है। हमारी न्यूज क्लिक की टीम ने जब इसी मामले में DM सुहास जी और MLA धीरेन्द्र जी से संपर्क करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला। फिर हमने अपने सहयोगी के माध्यम से ADM बलराम सिंह से संपर्क किया। सर्कल रेट ही दिया गया है ना सर, फर्स्ट फेज का एक्वेशन में वो 900 पर स्क्वायर मीटर, ₹2300 दिया गया है और ब्याज मिला के ₹2480 दिया गया है। 2480 वो तो कॉन्सेंट्रेट रेट था ₹2300, तो उसपे कॉन्सेंट हमने 70% कॉन्सेंट लेने के बाद ही शुरू किया ना, तो कॉन्सेंट्रेट रेट पे हुआ एक्विजिशन, सर्किल रेट पे थोड़ी हुआ। नहीं सर, लेकिन मैंने डॉक्यूमेंट देखा था, डॉक्यूमेंट में 900 सर्किल रेट दो गुना ही दिया गया बोल के 1800 सर मैंने एक डॉक्यूमेंट देखा, मैंने ₹2300 प्रति वर्ग मीटर दिया है हमने, ₹2300 प्रति वर्ग मीटर और 12% मार्केट वैल्यू पे ब्याज मिला करके ₹2480 दिया है उनको। हाँ हाँ ओके सर। सर और ये 2015 में ये जो जेवर के विलेजेस को रूरल से इंडस्ट्रियल टाउन में मिला दिया ना सर, उसके वजह से बस 2 ही गुना दिया है, अदरवाइज हमें 4 गुना मिलती थी बोल के वहाँ के लोग बोल रहे हैं सर, उसको लेकर आपको कुछ कहना है सर? देखिए जो इंडस्ट्रियल टाउन का अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने का नोटिफिकेशन है वो बिना नोटिफिकेशन किए तो अथॉरिटी डेवलपमेंट नहीं कर सकती ना, वो तो जब नोटिफाइड करेगी तभी डेवलपमेंट कर सकती है, तो वो तो औद्योगिक विकास का नोटिफिकेशन होता है, तो ये तो ये बिना उसके तो एंट्री नहीं कर सकते ना वहाँ पे, जब तक अधिसूचित क्षेत्र नहीं हो जाएगा तब तक अथॉरिटी एंटर ही नहीं कर सकती, वो तो मैंडेटरी है, वो तो करना ही पड़ेगा ना। ओके ओके सर, बट लेकिन नोटिफाइड एरिया की है तो अथॉरिटी कहाँ इंटर कर पाएगी, अथॉरिटी तो तभी इंटर करेगी जब कोई एरिया नोटिफाइड हो जाएगा। ओके ओके सर, ओके सर। सर अभी ये सेकंड फेज के लिए आप वो मार्केट वैल्यू अभी बढ़ाने की कुछ देख रहे हो क्या सर? सिर्फ मार्केट वैल्यू नहीं है, ये जो भूअर्जन अधिनियम है उसमें धारा 26 से लेकर के धारा 30 तक रेट डिसाइड करने का प्रोविजन दिया हुआ है, रिकॉर्डिंग तो प्रोविजन जो रेट आएगा वो देंगे हम। लेकिन एक और भी एक 200 किसान है, वो लोग अभी भी कोर्ट्स में अभी भी वो पैसा नहीं लिए है सर, वो जो भी 3000 के फैमिलीज में 200 फैमिलीज अभी पैसे नहीं लिए है सर, वो लोग यही बोल रहे हैं कि सर्कल रेट ही दिया है 2 ही गुना दिया है इसलिए हम नहीं मान रहे हैं, बोल रहे हैं। में 70% कंसेंट का प्रोविजन है, 30% लोग तो मतलब उसमें एक्ट का मतलब नहीं है कि वो नहीं ले रहे हैं, तो उनके पास अल्टरनेट प्रोविजन है, अगर हमारे रेट से कोई असंतुष्ट है तो सेक्शन 64 है इस एक्ट में, उसमें जा सकते हैं
कंप्लेंट कोर्ट अगर बढ़ाएगा तो अथॉरिटी सोचेगी। तो वो तो हमारे अगर रेट से असंतुष्ट है तो एक्ट में प्रोविजन है, सेक्शन 64 में जा सकते हैं। तो गए भी हैं लोग, हाई कोर्ट गए हैं, कई जगह गए हैं, लेकिन हाई कोर्ट में 16 रिट याचिकाएं हुई थी, सभी खारिज हो गई हैं। इसी डायरेक्शन के साथ आप 64 में जाइए। गांव नंगला शरीफ खां से हैं जी हम। पहले नंबर तो जो हमारे गाँव ट्रांसफर हुए तो कनेक्शन हमारे साथ ट्रांसफर होने चाहिए थे। अब 10,000-15,000 इतने रुपये मांग रहे हैं, बताओ हम कहाँ से दें, इतनी हम पे ज़मीन जायदाद नहीं। और फिर दूसरी प्रॉब्लम, किसी बच्चे के जब तुमने पैसा डाल दिए, आवाड़ कर दिया, तो उसके प्लॉट में अर्चन क्यों? अगर वो 2 नंबर के कागज़ बताते हैं उन्हें अधिकारी, तो फिर पहले ही रोक देते उन कागज़ ने, पहले ही कह देते हमसे कि भाई 2 नंबर कागज़ हम आवाड़ नहीं कर पाएंगे। आपने आवाड़ करा, पैसे डाले हैं और फिर प्लॉट नहीं दे रहे। अब मस्जिद की कोई समस्या हल नहीं कर रहे। हमारे मर रहे हैं जितने भी बच्चे हैं, कहीं है कहीं दफना कहाँ, किसी है कहीं दफना कहाँ, ना कब्रिस्तान दे रहे, ना शमशान दे रहे, ना मंदिर दे रहे, ना उनका पैसा डाल ले। कौन से पेपर को फर्जी बोल गया? हुँ? कौन से कागजात को फर्जी बोल गया? हमारे को हाँ। जो बच्चे के पैसे जो थे हाँ। उसमें सारे कागज फर्जी बताते हैं। क्या कागज दिया? आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाँ। CMO रिपोर्ट और जो भी ID थी बच्चे की, जो हो में है सब दिए वो। तो उन्हें अब पैसा तो डाल दिया उसका अवार्ड का, मगर प्लॉट पर अर्चन दिखा रहे हैं अब। अच्छा। कि प्लॉट नहीं देंगे, 2 नंबर से आपने कागज बनाए। तो आपने क्या किया इसके लिए? हमने कुछ नहीं किया जी, एप्लीकेशन दिया SDM साहब को, ADM साहब को, सबको एप्लीकेशन देते हैं, हर बार लेकर धर लेते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अब हम नंगला छीतर के जी, हमको कहाँ दिया? 90 गज, 90 गज 90 मीटर है ये, और हमारा वहाँ है मकान कई जगह। हमको प्लॉट कहाँ दिया? हमारे 2 तो प्लॉट ना दिया हमको। गए 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 SDM के पास, गए एप्लीकेशन दिया। ये प्लॉट ना ले रहे, हम यहाँ लेंगे। हम वहाँ ले ही ना रहे, हम टंकी वाले क्यों ले लें? हम तो इसे लेंगे जो हमने बनाया, हमारे टंकी के नीचे ये रहा, हमें इसे ना बना बिल्कुल टंकी के नीचे। गए अभी तहसील में ही है, ये बोले ना हम नहीं बनाएंगे इस प्लॉट को, हमें प्लॉट दूसरा दो। उसने कही ना कि तुम्हें 90 मीटर चलेगा, इनने कही ना कि हाँ चलेगा, ये बात कही उन्होंने, तो हमने इसी में बनाया फिर, और हमारा मकान रुकवा दिया। अभी भी रुकवा के रख रहे हैं, बोल रहे हैं बना, हाँ हम बोल रहे हैं बनाएंगे हम, और उन्होंने कहा अभी नहीं चलेगी चिनाई, जितने SDM ना दे देगा आदेश जब तक नहीं चलेगी, ये कही हमसे। जहाँ एक तरफ 200 से ज्यादा परिवार अपने उचित मुआवजे और पुनर्वास की लड़ाई अदालतों में लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2021 में एक और नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके तहत अब प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस चरण में बिरामपुर, दयानतपुर, रहेरा, मुंदराह, कुनेब और करौली बंगेर गांवों से जमीन ली जाएगी। गौरतलब है कि पहले चरण में भी दयानतपुर और रहेरा के एक हिस्से से जमीन ली जा चुकी है। सरकार ने इस चरण के लिए एक और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी यानी SIA2 करने को कहा था। इस रिपोर्ट के अनुसार भूमि अधिग्रहण के इस दूसरे चरण से सीधे सीधे 6,839 परिवार प्रभावित होंगे। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि अधिग्रहण की जाने वाली 85% से ज्यादा जमीन खेती के लिए इस्तेमाल की जाती है और बाकी 15% का इस्तेमाल जानवरों को रखने और घर आदि बनाने के लिए होता है। SIA2 के तहत 6 गांवों में आम सभा 1 से 11 नवंबर तक की गई थी। कितने लोगों ने अपनी जमीन देने पर सहमति जताई है यह अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि खुद SIA2 की रिपोर्ट कहती है कि सभी प्रभावित परिवारों की ये बड़ी मांग है कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने मांग की है कि सर्कल रेट में संशोधन किया जाए और मुआवजे की रकम नए सर्कल रेट के हिसाब से 12% इंटरेस्ट रेट पर तय की जाए। किसानों का सर्वनाश, किसानों को इनको कोई विशेष फायदा नहीं है। गेहूं में इन्होंने 6% खरीद रहे हैं, गेहूं कौन सा खरीद रहे हैं? धान यहाँ सस्ते में बिक रहा है, कौन सा इनका फायदा कर रहे हैं ये किसानों का? खाद यूरिया DAP मिली ही नहीं, इन्होंने कौन सा फायदा कर दिया है किसान का? DAP यहाँ बिल्कुल मिली नहीं है, वैसे ही बोए किसानों ने खेत।
अब डीएपी और यूरिया, अब यूरिया नहीं मिल रहा है, तो किसानों का तो हर तरीके से सत्यानाश हुआ है। परंतु यह है कि भाई हिंदूवादी नेता है, चलो भाई दो हिंदू के इसके हिसाब से वोट मिल रही है, नहीं ये वोट देने लायक नहीं है पर दे रहे हैं ऐसा। मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा, ग्राम पोस्ट रनेहरा, जिला गौतम बुद्ध नगर। दूसरे फेस में मेरी जा रही है जमीन, मैं यहाँ का सबसे बड़ा काश्तकार भी हूँ, परंतु जा रही है मेरी जमीन और मेरा भी सर्वनाश होगा, सत्यानाश होगा। इनमें से कई मांगों पर हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार है और वक्त ही बताएगा कि इन किसानों को न्याय और थोड़ा सा सुकून मिलेगा भी या नहीं।